मैं अभी घर पे आया हूँ आधार कार्ड का जेरोक्स लेने, क्योंकि बैंक वाले पूरी बात सही से बताते नहीं है। अभी बोलते भाई, बोलते भाई आधार कार्ड का जेरोक्स लाओ, तभी आधार कार्ड का जेरोक्स लेने आया, फिर बाद में वापस जाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई सुबह सुबह दुकान जा रहा हूँ, चाय रख दिया है और चाय के साथ में खाने के लिए कुछ भी नहीं, तभी जा रहा हूँ बिस्किट लेने और फिर बाद में कुछ बनाएंगे नाश्ते के लिए। तो गाइस बिस्किट ले लिया, एक बटर ले लिया और एक मेरी लाइट हुआ, ठंड बढ़ चुकी है। तो गाइस मैं भी नहा चुका हूँ, खाना वगैरह हो गया, आज काट दिया क्योंकि आज मेरे पकौड़े खाने के मन हो रहे थे, तो आज पकौड़े बनाऊंगा। ये देखो गाइस, ये देखो प्याज पूरे कट हुए, अब बस इन्हें बनाने की देरी है। बाहर जाना है थोड़ा काम से, दो तीन जगह, एक जगह नहीं जाना है, दो तीन जगह जाना है, तो मेरे को आने में टाइम लग सकता है, करीब एक या दो बज जाएगा, फिर बाद में देखते कहीं और पे जाना रहेगा तो हम जाते हैं। इसमें वापस से जा रहा हूँ बैंक में, क्योंकि पकौड़े बना रहे थे लेकिन पापा ने बोला चलना है बैंक में थोड़ा, और जाकर देख लेता वहाँ का हड़ताल वगैरह खत्म हुआ कि नहीं, फिर बाद में और भी जगह जाना है, आते आते मेरे को दो बज जाएगा लगता है। आज आया हूँ आधार कार्ड का जेरोक्स लेने, क्योंकि बैंक वाले पूरी बात सही से बताते नहीं है। अभी बोलते भाई आधार कार्ड का जेरोक्स लाओ, तभी आधार कार्ड का जेरोक्स लेने आया, फिर बाद में वापस जाता हूँ। पूरा बात बताया नहीं, अभी भी आधा बात बताया है। तो गाइस कपड़ा चेंज कर लिया, अब बस निकलता हूँ। 12 बजे में बैंक आ गया था, तो 1 बजे वापस भेज दिया। बोलते आधार कार्ड का जेरोक्स लेके आओ, आधार कार्ड का जेरोक्स वगैरह सब लेके आया हूँ। तो एक बार बोलते भाई फोन नंबर लेकर साइन लिखो, मैंने जबकि ये बात पहले पूछा था, और फिर बाद में अभी बोलते भाई अभी साइन नहीं है सही से। यार ये लोग बार बार बुलाते रहते जबकि साइन ऑलरेडी सही, और ये लोग का काम ही है बार बार घुमाना। ऊपर बाद में बोले आप लोग बार बार आते हैं। भाई 1:30 बजे भाई एक जगह से पैसा निकाल लिया है और फिर जा रहा दूसरे जगह डिपॉजिट करने। भाई 12 बजे आया था, 1:30 बजे पूरे। तो गाइस 3 बज चुके, हम लोग आ चुके घर पे, तो अभी खाना बनाना है। खाने में से सोच रहे क्या बनाए, क्या सुबह तो खा रहे थे लेकिन समय अभी, और अभी मैं सोच रहा हूँ पकौड़े बना ले, जो मैंने प्याज काटा था अब उसके पकौड़े बनाऊंगा, फिर बाद में थोड़ा मोबाइल चार्ज करूंगा और बाहर जाऊंगा। यार SBI बैंक का सिस्टम तो बहुत अच्छा है यार चेक जमा करने का, मतलब मशीन इधर चेक नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, फिर होल्डर का नाम दिखाता है मशीन, और फिर बाद में रिसिप्ट निकाल लो यार, फिर बाद में रिसिप्ट ले लो। SBI बैंक का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बाकी सब बैंकों से मुकाबले, और बैंकों पर तो भाई बहुत ही खराब है यार। 12 बजे से 1:30 बजे जाके मेरा नंबर आया, एक बार में पूरा बात नहीं बताते, बार बार बताएंगे ये करो वो करो, फिर निकलने पर कोई और बंदा लगता है, फिर बाद में जब हमारा दोबारा नंबर आएगा बाद में पूछेंगे वो लोग भाई इतना टाइम कैसे लगा रहे हैं, बैंक वालों का यही काम रहता है बार बार घुमाते रहो। यार कढ़ाई चढ़ चुकी है, बस गैस ऑन करना है, कांदे इसके अंदर कटे, यहाँ पर रख देता हूँ, ये रहे प्याज कटे हुए, बस बेसन वगैरह, बेसन ऊपर से निकालना है, फिर बाद में मिर्ची भी काटना है, नमक मिर्ची वगैरह। यार बहुत से काम बाकी है, जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे पकौड़े बनके रेडी है, अब बस इनको खाना बाकी है और चटनी बनाना बाकी है बस। तो गाइस पकौड़े वगैरह बनके तैयार हो गए, खा भी दिया भाई, अभी जा रहा काम से थोड़ा बाहर। मैं घर पे आ चुका हूँ, ठंड यार घर में बहुत ज्यादा लग रहा है यार, शाम के 5 बज रहे, ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी देखते हैं शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक में इतना ज्यादा ठंड लगता है। 5:30 बज चुके और अंधेरा हो चुका है यार, मैंने लाइट ऑन कर दिया, और ये मेरा चश्मा ये नया वाला है, तो भी 1 साल हो चुका है, और एक पुराना वाला रखा हुआ है उसका नंबर चेंज हो चुका है। अभी हो सके तो मैं कुछ दिन में जाऊँ एक और नया चश्मा लेने, मुझे थोड़ा फर्क लग रहा है क्योंकि इसमें से भी जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा कम दिख रहा है यार, तो हो सके तो मैं चेकअप के लिए कभी भी जा सकता हूँ, तो जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपको बता दूंगा।